नमस्कार दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं खूबसूरत से क्रोटन प्लांट के साथ। और ये देखिए दोस्तों, थोड़ी पत्तियाँ इसकी आप देख रहे हैं येलो हो गई है, लेकिन अभी सारे क्रोटन जो है इस तरह से ही चल रहे हैं, क्योंकि थोड़े बारिश की अभी इन सब प्लांट को ज़रूरत है। और बारिश हमारे यहाँ एक आधी हुई है, जो 10-15 मिनट अभी बारिश अच्छे से नहीं हुई है। तो जो इंडोर प्लांट होते हैं उनको भी बारिश की ज़रूरत होती है। तो कभी जब भी आपके जैसे बालकनी है, अगर वहाँ पर बारिश आती नहीं है, तो इन प्लांट को आपको थोड़ा बारिश में ले जाकर रखना होगा। चलिए दोस्तों, मैं इन प्लांट को आपके साथ शेयर करती हूँ। ये यहाँ पर स्पाइडर प्लांट है और ये यहाँ पर रखा है, ये देखिए स्नेक्स प्लांट, और ये यहाँ पर चंपा की कटिंग मैंने लगाई है, यहाँ पर क्रोटन मैंने लगाया है कटिंग से, और यहाँ पर देखिए दोस्तों वंडरिंग जीव, और ये जो यूफोर्बिया मेलिया आप देख रहे हैं दोस्तों, ये कि अभी बारिश तो हमारे यहाँ हुई नहीं है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं इसमें फुटाव कितना अच्छा हो रहा है। बहुत ही अच्छा जो मौसम है अभी, इसमें आप कटिंग वगैरह भी लगा सकते हैं, लेकिन एक आध बारिश होने के बाद फिर हम आपको वो भी आपके साथ शेयर करूँगी कि कौन कौन सी कटिंग आप लगा सकते हैं। स्नेक्स प्लांट बहुत ही ज़्यादा फैल चुका है मेरे यहाँ पर। और ये सिंगोनियम देखिए दोस्तों, सिंगोनियम को मैंने पूरा कट कर दिया था, और इस अंदर से इस तरह से बेबी प्लांट जो निकलते हैं, आप उनको छोटे पॉट में अगर लगाएंगे तो इनकी पत्तियाँ भी छोटी रहेगी, मिनी सिंगोनियम आप उसको बोल सकते हैं। दोस्तों मैं इसी तरह से लगाती हूँ, मैं आगे आपको ज़रूर दिखाऊँगी कि मैंने मिनी सिंगोनियम किस तरह से लगा रखा है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर रंग बिरंगी पत्तियों वाले प्लांट, बैकबोन डेविल्स, और ये यहाँ पर हेज प्लांट, और ये यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये है मेरे जो मैंने कटिंग से लगाया था ये प्लांट, और कितना अच्छा हेल्दी सा हो गया है। और यहाँ पर भी डेविल्स प्लांट लगा हुआ है, ये देखिए दोस्तों, ये यहाँ पर इस तरह से बेबी प्लांट निकलते रहते हैं सिंगोनियम में से, तो आप इनको अलग सेव करके और वापस से इनको लगा सकते हैं। क्रोटन की मैंने आपको कटिंग दिखाई थी, कट कर दिया था मैंने पूरा, तो उसके बाद इसकी आप ग्रोथ देख सकते हैं कितनी अच्छी सी ग्रोथ हो गई है। बहुत ही प्यारा प्लांट है और बहुत ही सुंदर लगता है। और ये देखिए दोस्तों, ये पिंक है, लेकिन इसकी पत्तियाँ क्यों मोल्ड रहती है समझ में नहीं आता है। पूरी पत्तियाँ खुलने में बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है, इस तरह से देखिए ये। और इसको आप छोटे पॉट में लगाएंगे तो इसकी पत्तियाँ भी छोटी रहेगी। इसके बाद आता है दोस्तों ये फर्न, और यहाँ पर भी क्रोटन लगा है, आप देख सकते हैं नई नई जो इसमें से पत्तियाँ निकल रही है, तो बड़ा ही हेल्दी प्लांट है। ये पान की बेल दोस्तों, मैंने आपको रिपोर्ट भी करना बताया था, वापस से इसको मैंने रिपोर्ट किया है, तो अभी इसकी जो ग्रोथ है इतनी अच्छी से नहीं हो रही है, लेकिन मुझे पता है बारिश होते ही ये सारे प्लांट अपनी ग्रोथ पर आ जाएंगे। और यहाँ पर थोड़ा बहुत देख सकते हैं पत्तियाँ निकल रही है। तो दोस्तों, हम कितना ही पानी छिड़काव करके क्यों ना डाल दें, लेकिन जो बारिश के पानी की बात होती है वो अलग ही होती है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी क्रोटन लगा हुआ है, और ये यहाँ पर फर्न लगा हुआ है। मैं आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ, ये देखिए दोस्तों, ये वाला मनी प्लांट मैंने सिर्फ पत्ती से ग्रो किया था, और आप इसकी कंडीशन देख सकते हैं कितनी अच्छी चल रही है, बहुत ही अच्छे से मनी प्लांट चल रहा है। और यहाँ पर तो मेरे धूप भी बहुत आती है। ये हेड जोट प्लांट आप देख रहे हैं, ये कितना तेज़ी से बढ़ रहा है, बहुत ही अच्छे से ये प्लांट ग्रो कर रहा है। ये देखिए दोस्तों किस तरह से जो है, ये शायद मुस्टंडा प्लांट होगा, सॉरी मुझे नाम पता नहीं है इस प्लांट का, और मैं सर्च करती हूँ तो सिंगोनियम ही प्लांट आता है, लेकिन सिंगोनियम है नहीं ये। और ये है जिनिफर प्लांट, और ये देखिए दोस्तों कितना धीरे धीरे ये प्लांट जो है ग्रो करता है, बहुत धीरे धीरे बढ़ता है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये मैंने कृष्ण कमल लगाया था, तो बहुत ज़्यादा फैल गया था ये, तो मैंने इसको जो है कट कर दिया था, और वापस इसमें से ये देखिए दोस्तों इस तरह से नए नए पत्तियाँ निकलने लग गई है। यहाँ पर क्रोटन लगा हुआ है, यहाँ पर ये देखिए दोस्तों, ये एक और क्रोटन, और ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने एक छोटा सा प्लांट लगाया था
सिंगोनियम का, तो इसमें से भी बेबी प्लांट निकल कर आ रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, सो एक प्लांट से आप कई प्लांट बना सकते हैं। तो दोस्तों बहुत अच्छी कंडीशन अभी जो है प्लांट की नहीं है, क्योंकि सारे प्लांट को अब बारिश की ज़रूरत है। ये यहाँ पर मैंने कटिंग लगाना बताया था और इसको कट किया था हमने, तो ये देखिए दोस्तों इसमें से नए प्लांट निकल के आ रहे हैं। ये प्लांट देखिए, इसको मैंने इस रंग बिरंग, ये जो बॉर्डर आप देख रहे हैं येलो बॉर्डर के लिए, वापस से इसको पत्ती से ग्रो किया था, क्योंकि इस तरह के प्लांट तो मेरे पास बहुत सारे हैं। लेकिन देखिए दोस्तों, ये नया प्लांट भी वैसा ही निकल कर आया है। और यहाँ पर ये देखिए कितने अच्छे से बहुत सारे इसमें से नए नए प्लांट निकल कर आ रहे हैं। और ये देखिए दोस्तों, थोड़े टाइम में तो इनको मुझे जो है चेंज करना पड़ेगा इन सबको। और ये जो अंगूर की बेल यहाँ देख रहे हैं आप, ये मैंने लगाई थी, तो ये मैंने पूरी कट कर दी थी, वापस से इसकी ग्रोथ जो है शुरू हो गई है। और ये एस्पैरेगस प्लांट जो मैं कट करती रहती हूँ, तो ये देखिए कितनी नई नई टहनियाँ इसमें से निकल रही है। तो दोस्तों कुछ प्लांट ऐसे हैं जो ग्रो कर रहे हैं, और कुछ प्लांट ऐसे हैं जो अभी जैसे के जैसे बने हुए हैं। ये प्लांट अभी अभी मैंने कुछ टाइम पहले ही वीडियो आपके सामने शूट बताया था कि इसको मैंने पूरा कट कर दिया था। तो ये देखिए दोस्तों, इस तरह से ये प्लांट वापस से अपनी ग्रोथ पर आ रहा है। ये देखिए दोस्तों, ये इस तरह से, और कुछ कटिंग वगैरह भी मैंने लगाई है, तो अभी आपके साथ जो है मैं शेयर करती हूँ। दोस्तों मैंने एक बार बताया था आपको कि कोलियस को आपको लगातार जो है कटिंग से ग्रो करते रहना है। तो ये देखिए दोस्तों, कोलियस की कटिंग, और जहाँ जगह मिल जाती है मैं वहीं पर इन प्लांट को ग्रो कर देती हूँ। तो इस तरह से बालकनी प्लांट मैंने सारे आपके साथ शेयर कर दिए हैं। अभी इनकी क्या कंडीशन चल रही है, बहुत अच्छी कंडीशन नहीं चल रही है, लेकिन जैसे ही बारिश होगी दोस्तों, बहुत ही प्यारे से ये प्लांट हो जाने वाले हैं। सभी चीज़ों को अब मौसम के हिसाब से चलना होता है, तो जैसे हम भी गर्मी